चलिए हम अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी किसी भी टाइम पर कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना इंक्रीज करने के लिए प्रपोज करती है तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है तो उन्होंने समझाया वेयर एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर्स सच शेयर्स शैल बी ऑफर्ड। तीन चीज है बेटा, या तो वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाएगा, या तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर वो किसी भी पर्सन को प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? अब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये तीन पोर्शन का नाम है, सबसे पहला राइट इशू, दूसरे पोर्शन का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एंड थर्ड वन इज इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। चलिए वन बाय वन हम तीनों पॉइंट को, तीनों टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला है राइट इशू। राइट इशू क्या कहता है बेटा? तो राइट इशू ये कहता है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड रूल 12 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। क्या कहता है? जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स उनके प्रपोर्शनेट होल्डिंग के बेसिस पर इशू कर रही है। क्या बोला फिर से समझो, जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रपोर्शनेट बेसिस पर क्या कर रही है, करंट होल्डिंग की प्रपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स इशू कर रही है उसे बोला जाएगा राइट इशू। अब कंपनी जब भी राइट इशू लेकर आ रही है कंपनी को सर्टेन कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी, जब ही जाकर कंपनी क्या कर सकती है राइट इशू लेकर आ सकती है। द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस। आपको हर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जिसे आप राइट इशू के लिए एलिजिबल समझते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा। क्लियर है? इस नोटिस को बेटा लेटर ऑफ ऑफर भी बोला जाता है, जिसके अंदर यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स। सेकेंड इज लिमिटिंग टाइम नॉट लेस देन बीइंग 15 डेज और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एट नॉट मोर देन 30 डेज। मतलब कम से कम 15 दिन आपको ऑफर ओपन रखना ही पड़ेगा, एंड एट अ स्ट्रेच आप मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्या कर सकते हो, ऑफर को ओपन रख सकते हो। क्लियर? ऑफर के अंदर थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि आपके पास लेटर ऑफ रिनंसिएशन या राइट ऑफ रिनंसिएशन भी होना चाहिए कि भैया अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे रिनाउंस कर सकता हूं कि मुझे ये फैसिलिटीज अवेल नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज अगर लिमिटेड टाइम पीरियड में वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करी तो ऑफर शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। इसके बाद है जैसे ही ऑन रिसीव्ड ऑफ अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन टू हुम सच नोटिस इज गिवन दैट ही डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द शेयर्स ऑफर्ड। या तो उसने पहले ही बोल दिया कि भैया मुझे शेयर्स नहीं चाहिए तो ऑफर हट जाएगा उसके पास से, या फिर उसने लिमिटेड टाइम में उसे एक्सेप्ट नहीं करा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो उसे इस मैनर में डिस्पोज ऑफ करेंगे लिमिटेड एग्जिस्टिंग शेयर्स को कि डिसएडवांटेजेस नहीं हो, ना ही वो कंपनी के फेवर में कंपनी के फेवर को अफेक्ट कर रहा हो या वो शेयर होल्डर के एडवांटेज को अफेक्ट कर रहा हो। क्लियर है बेटा? अब ये जो भी नोटिस है ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर एनी अदर मोड जिसमें पीओडी प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है उसका आपके पास एविडेंस है कि हाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट भेजा था। ठीक, सारे शेयर होल्डर्स को कम से कम इशू के 3 दिन पहले तक ये चीज पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? इसके बाद इन्होंने समझाया राइट टू रिनाउंस द ऑफर। राइट टू रिनाउंस द ऑफर क्या कहता है कि अनलेस अंटिल द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। डायरेक्टर जो है उन्हें
नोटिस के अंदर क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को राइट टू रिनाउंस द ऑफर भी करना पड़ेगा कि वो चाहे तो या तो पोर्शन मतलब पार्टली या फिर एज अ होल क्या कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन को भी वो शेयर्स रिनाउंस कर सकता है। क्लियर बेटा? अब उन्होंने प्राइवेट कंपनी के केस में ये कहा कि 90% ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्सेंट दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी राइटिंग वाले फॉर्म में, तो वो क्या है, द पीरियड लेसर देन दो स्पेसिफाइड इन द सेड सब क्लॉज टू सब सेक्शन शैल अप्लाई, कि भाई 3 दिन पहले देना पड़ेगा इशू के। अगर 90% प्राइवेट कंपनी में बोल देते कि भैया हमको 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले भी बताया तो हमारा काम हो जाएगा, तो उन्होंने बोला उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट उन्होंने समझाया रेस्ट्रिक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला उन्होंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन कंटेंड अंडर सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग इशू ऑफ फर्दर शेयर्स डू नॉट अप्लाई टू इंक्रीज ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज्ड बाय एन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन एज टर्म अटैच टू द डिबेंचर और लोन रेज्ड बाय द कंपनी टू कन्वर्ट सच डिबेंचर और लोन इन टू शेयर ऑफ द कंपनी। सेकेंड उन्होंने बोला कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ डिबेंचर और एनी लोन इन टू शेयर कैपिटल, अगर कन्वर्जन हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। आया बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपनी जब भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है कि भाई कंपनी अपना शेयर कैपिटल रेज करना चाहती है, तो आपको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, राइट इश्यू। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मतलब क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि एन ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? सेक्शन 62 डील करता है बेटा, 62(1) का ए डील करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नाम से क्लियर है, जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को स्टॉक खरीदने का ऑप्शन दे रही है कि भाई हम इशू लेकर आ रहे हैं या लाना चाह रहे हैं, तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है या एम्प्लॉय है, भले वो होल्डिंग कंपनी के हो, सब्सिडरी के हो या फिर एसोसिएट के हो, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्लियर बेटा? अब ध्यान से समझिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मीन्स ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। किस किस को दिया जाता है बेटा, एग्जाम में आएगा ये। सबसे पहला, इफ द ऑप्शन इज गिवन टू डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज, बट एसोसिएट को नहीं जाएगा, सो सॉरी गलती हो गई। इफ एनी विच सच डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज द बेनिफिट और राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। जब भी कंपनी अपने डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रही है कि हम आपको फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देना चाह रहे हैं, बट प्राइस हम आज ही डिटरमाइन कर लेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब बेटा अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिगार्डिंग द थिंग, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा। अब बेटा हु आर एम्प्लॉयज को स्टार मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता है, किस किस को ईसॉप दिया जा सकता है। सबसे पहला, परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, या तो वो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया के बाहर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, भले वो होल टाइम डायरेक्टर हो या ना हो, बट
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है। पहला क्या सर, परमानेंट एम्प्लॉय इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। अब वो नेक्स्ट बोल रहे हैं, एन एम्प्लॉय ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डन। बट ऐसे एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होंगे सब्सिडरी के जो क्या है, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरा वो डायरेक्टर है या तो खुद से, या तो वो रिलेटिव के थ्रू, या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू ऑलरेडी कंपनी में 10% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड करके रखे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें ईसॉप नहीं दिया जा सकता है। अब जो भी बेटा आपका रेजोल्यूशन जाएगा उसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता क्या है? बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब होता है एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द ईसॉप, टोटल कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, क्यों, प्राइस क्या रखे, प्राइस कहां से आई, कितने टाइम का लॉक इन पीरियड रहेगा, सो ऑन सो फोर्थ, मेथड क्या ऑप्शन चूज किया गया है, ये सारी चीजें रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट उन्होंने समझाया फ्री प्राइसिंग इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ये कह रहा है कि अगर कंपनी ईसॉप रख रही है तो क्या प्राइस, किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, क्या सर कोई स्पेसिफिक मेथड है, फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। उन्होंने समझाया कि कंपनी इज फ्री टू डिटरमाइन द प्राइस, जो मेथड यूज करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगी, यू नीड टू कीप इन माइंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट इज वेरिंग द टर्म्स ऑफ ईसॉप रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। पब्लिक कंपनी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कल से उसकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज लेकर आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर। मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आज एम्प्लॉय को हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, कल एम्प्लॉय उसको जाकर बेच देगा और बोलेगा मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। वो ये समझाना चाह रहे हैं वेस्टिंग पीरियड के थ्रू कि आज हम आपको शेयर्स दे देंगे बट शेयर से रिलेटेड राइट्स नहीं देंगे, हम उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको कब देंगे, कम से कम 1 साल के बाद, कि भाई उससे रिलेटेड फैसिलिटीज, बाइंग, सेलिंग, डिविडेंड, उस राइट को एक्सरसाइज करना, मीटिंग अटेंड करना, जितनी भी उससे रिलेटेड राइट्स है वो सारे के सारे आपको कब मिलेंगे, 1 साल के बाद। नेक्स्ट इज कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। कंपनी के पास हमेशा से फ्रीडम रहेगा कि वो लॉक इन पीरियड डिफाइन कर सकती है कि एम्प्लॉयज कितने टाइम ड्यूरेशन बाद उस शेयर्स को बेच सकते हैं। क्लियर। अब जब तक वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग कैन बी एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉयज। क्लियर बेटा। अगर इन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कोई भी गलत हरकतें करी तो हमेशा क्या किया जाएगा, कंपनी के पास ऑप्शन दिया जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, आपके ईसॉप को फोरफीट कर सकते हैं। पहला, इट मे बी फोरफीटेड बाय द कंपनी इफ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉयज विद इन द एक्सरसाइज पीरियड। आपको जो टाइम पीरियड दिया है उसमें अगर आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो ऑफर हो जाएगा लैप्स। एंड सेकेंड वन इज द अमाउंट मे बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉयज इफ द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। अगर आपने वेस्टिंग पीरियड में वो टाइम ड्यूरेशन फुलफिल नहीं कर पाया, टाइम कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बेटा एग्जाम में एक पॉइंट और आता है कि सर क्या ये ईसॉप ट्रांसफरेबल होते हैं, तो नहीं बेटा, बिल्कुल भी ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। क्लियर है। ना ही आप किसी के पास इसे प्लेज
हाइपोटिकेट मॉर्गेज या फिर इसे बेच सकते हो. नेक्स्ट इज नो पर्सन अदर देन द एम्प्लॉयज टू हुम द ऑप्शन इज ग्रांटेड शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास ये राइट नहीं रहेगा कि वो क्या कर सकता है, इसे किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है. क्लियर. अब इन्होंने डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और रेजिग्नेशन से रिलेटेड क्या किया है, एम्प्लॉय से रिलेटेड स्पेसिफिक हाईलाइट किया है कि अगर डेथ हो जाता है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर कोई भी एम्प्लॉय रेजिग्नेशन देता है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा. क्लियर बेटा. तो डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई फिर आपको उस दिन तक वेट करने का जरूरत नहीं है. इमीडिएट आप जिस दिन आपकी डेथ हुई, आपके लीगल हायर्स को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई, तो उसी दिन आपको क्या कर दिया जाएगा, पूरे की पूरे शेयर्स से रिलेटेड ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो अदर देन वेस्टिंग पीरियड. आपको वेस्टिंग पीरियड भी ध्यान देने का जरूरत नहीं है. और अगर आपने रिजाइन कर दिया या आपको नौकरी से निकाला है तो आपको कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा वो सारे की सारे जितने भी आपकी फैसिलिटीज है ईसॉप से रिलेटेड, सारी की सारी फोरफीट मान ली जाएगी. क्लियर बेटा. आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट. आप जो भी ईसॉप इशू करेंगे, जिस साल आप इशू करेंगे उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में आपको ये क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म SH6 में कि किन किन एम्प्लॉइज को कितने शेयर्स हमने क्या किए हैं ईसॉप में इशू किए हैं. क्लियर. अगर कंपनी लिस्टेड है तो बेटा कॉमन सेंस है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उससे रिलेटेड सेबी गाइडलाइंस है तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगी. आरओसी को कौन से फॉर्म जाएंगे, तो बेटा दो फॉर्म जाएंगे. पहला, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो MGT 14 जाएगा रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर, एंड अलॉटमेंट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म PAS 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा. आई होप सो आई एम क्लियर. नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस 62(1) का सी. इस तरीके से याद करते हैं अपन. सबसे पहले अपन ने पढ़ा 62(1) का ए. 1 का ए क्या है बेटा, इट इज राइट इशू. 1 का बी क्या है सर, ईसॉप. 1 का सी क्या है सर, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस. जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा किसी स्पेसिफिक पर्सन को प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स दे रही है, या तो कैश में या फिर परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसे बोला जाएगा इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस. आया समझ में बेटा. क्या कहता है, issue of shares to person other than existing shareholders and provides that a company can further issue shares to person other than existing shareholders either for cash or for consideration after passing special resolution and general meeting and price determined by registered valuer. Registered valuer क्या करेगा, आपकी price को determine करेगा. Clear है. क्या कहना चाह रहा हूं मैं, प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, जब भी कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन या सिलेक्टेड पर्सन को क्या कर रही है, इशू कर रही है प्रेफरेंशियल बेसिस पर, तो उसे क्या बोला जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस. आया समझ में बेटा. अब वो कैसे भी कर सकती है, या तो पब्लिक इशू के टाइम पर, या तो राइट इशू के टाइम पर, या तो ईसॉप या ESPS और एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स या बोनस शेयर के अलावा. क्लियर बेटा. इसके अलावा अगर कंपनी किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को स्पेसिफिकली क्या कर रही है, प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर रही है, तो उसे बोला जाएगा प्रेफरेंशियल ऑफर. अब बेटा आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए और आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. कंडीशंस क्या क्या है, तो सेम कंडीशन चलेगी, आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए और
जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर लगाना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्लियर बेटा। इसके बाद है कंप्लीशन ऑफ इशू, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 12 महीने के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा की पूरा ऑफर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट उन्होंने बोला प्राइस फॉर इशू, तो सिंपल सा है, रजिस्टर्ड वैल्यू और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बताएगा और उस बेसिस पे वो उस मेथड के थ्रू ये बताएगा कि भाई हमने किस तरीके से ये प्राइस डिटरमाइन किया है, आया बेटा समझ में। फिर उन्होंने बोला कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आई होप सो बेटा क्लियर हुआ आपको। अब प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉट में डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा समझना। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर या इनविटेशन दिया जा रहा है रादर देन गोइंग फॉर पब्लिक एट लार्ज, उसे क्या बोला जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। वेयर इज बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब कंपनी इशू लेकर आ रही है बट कुछ चुनिंदा लोगों को प्रायोरिटी दे रही है, क्लियर बेटा। इन्होंने समझाया कि सिक्योरिटीज कोई भी हो सकती है, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सिर्फ इक्विटी या फिर ऐसी सिक्योरिटीज जो कन्वर्टिबल है सिक्योरिटीज में, सिर्फ उसी के बेसिस पर दिया जाएगा। दोनों में आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, यहाँ पे बोर्ड डिटरमाइन करेगा, यहाँ पर मेंबर, एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन हो सकता है, क्लियर। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा दोनों में। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑफर ऑफ लेटर जाएगा, PS4 में, यहाँ पे कोई फॉर्मेट डिस्क्राइब्ड नहीं है, क्लियर। यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट में वो कह रहे हैं आपको बैंकिंग चैनल फॉलो करना पड़ेगा, कैश में डील नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप आइदर फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश में आ सकते हैं। इसका वैलिडिटी है 60 डेज के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मनी के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 मंथ्स है, आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। आई होप सो बेटा क्लियर हुआ होगा। राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बन जाएगा आपसे, राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाएगा, क्लियर बेटा, डन। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 63, बहुत वर्ड चल रहा है मार्केट में FOC। FOC मतलब क्या होता है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी आपसे कोई भी पैसा लेने वाली नहीं है, जी हाँ, कंपनी आपसे कोई पैसा चार्ज करने वाली नहीं है। तो कंपनी अगर चाहे तो, और आर्टिकल्स में प्रोविजन होने के बाद अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकती है बाय इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, क्लियर बेटा आया। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शनेट बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर रही है, तो उसे बोला जाएगा बोनस शेयर्स। सर इसका फायदा होता क्या है, तो इट इज मेंट फॉर कैपिटलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, कंपनी को अभी कोई स्कोप नहीं दिख रहा है ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन का, तो कंपनी ये सोचती है कि इसे क्या कर दिया जाए, कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल को बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट इज फंड फ्लो इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स कम डाउन टू देयर नॉमिनल वैल्यू बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज, आपकी होल्डिंग बढ़ती है, एंड बोनस शेयर सिंस बेटा इनकम से रिलेटेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहां पे आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो पैसों का अप्रोप्रिएशन करेगी कहां से, तो उन्होंने बोला या तो पैसों का अप्रोप्रिएशन हो जाएगा फ्री रिजर्व, या तो हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के थ्रू, या फिर हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के थ्रू,
क्लियर बेटा, अब आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। तो पहला उन्होंने समझाया ऑथराइजेशन होना चाहिए आर्टिकल्स में, दूसरा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी के लाइबिलिटी साइड कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, बाय लाइबिलिटी आई मीन एफडी का पेमेंट, डेट सिक्योरिटीज का पेमेंट, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का, या फिर एम्प्लॉयज का अगर कोई भी ड्यू चल रहा है। तो जब तक आप ये ग्रेच्युटी पीएफ का पैसा या बोनस का पैसा जो एम्प्लॉय को दिया जाता है वो सही नहीं कर देते हो, जब तक कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। बेटा सारे शेयर्स क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और नो इशू इन लिव ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड अलग है और बोनस शेयर्स अलग है। तो कंपनी को क्या बोला जा रहा है कि भाई डिविडेंड अलग बोनस अलग, डिविडेंड को बोनस नहीं माना जाएगा, बोनस को डिविडेंड नहीं माना जाएगा। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्म टू बी फाइल्ड विद आरओसी MGT 14। अब बेटा ये MGT 14 कैसा है, तो उन्होंने बोला अगर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन नहीं है तो आप आर्टिकल्स को जो अमेंड करोगे उसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना है। यहां पे बहुत से बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके MGT 14 जाएगा, नहीं बेटा, आर्टिकल में अगर क्लॉज नहीं है बोनस से रिलेटेड तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को जो अमेंड करेंगे आप, ऑल्टर करेंगे, उसके रिटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फॉर्म PAS 3, आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट से 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। डन, शुरू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट मतलब क्या होता है, खून पसीने की कमाई। क्लियर है बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है, खून पसीने की कमाई। क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर, कि अगर किसी भी डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने रात दिन एक कर आपको क्या किया है, नो हाउ प्रोवाइड किया है, नो हाउ मतलब कि कंपनी कहीं पर फंस रही थी कि ये कैसे करे, और किसी डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने आपको ये बता दिया कि ये किया कैसे जाता है, या फिर कोई राइट्स अवेलेबल करा दिए इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि भाई ये पर्टिकुलर कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क मैं आपको दे रहा हूं मेरी तरफ से गिफ्ट। तो कंपनी भी जब उसे क्या कर रही है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में या ओनरशिप के फॉर्म में ऑफर कर रही है शेयर्स, उसे बोला जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, कि जब भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर या एम्प्लॉय को एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पहले किस किस को, डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को, फॉर डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर टेक्निकल नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, उसे क्या बोला जाएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। बेटा तीन पोर्शन में डिवाइड करी अपन ने, सबसे पहला किसको दिया जाता है, तो उन्होंने बोला एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर को, कैसे दिया जाता है, फॉर अ डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरा क्या कह रहा है, फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्निकल नो हाउ, आया बेटा। नाउ हु आर एम्प्लॉय, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन होते हैं एम्प्लॉय। तो उन्होंने बोला एम्प्लॉय मतलब अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरा उन्होंने बोला डायरेक्टर, वेदर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड थर्ड वन इज एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। आया बेटा समझ में, एम्प्लॉय किस किस को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जा सकता है, तो सबसे पहला है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या तो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया के बाहर। दूसरा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर होल्ड टाइम डायरेक्टर और नॉट। तीसरा उन्होंने बोला अगर आपकी कोई सब्सिडरी का एम्प्लॉय है,
भले वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, उसे क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉय माना जाएगा और उसे स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी? तो बेटा सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्लियर? अब क्या कह रहा है? सबसे पहला तो कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, सबसे पहला ऑथोराइजेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक। अब वो रेजोल्यूशन में क्या क्या मैटर लिखेंगे? तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन एंड कौन से डायरेक्टर और एम्प्लॉय को ये पर्टिकुलर चीजें इशू की जा रही है। नेक्स्ट इज, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी के कंप्लायंसेस फुलफिल करना पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने समझाया स्वेट इक्विटी शेयर्स हैव सेम राइट्स एंड लिमिटेशंस एज दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं, सेम टू सेम आपको क्या करना पड़ेगा? स्वेट इक्विटी शेयर्स को राइट प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन रिमेन्स वैलिड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स। अगर कंपनी ने एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 12 मंथ्स के अंदर अंदर पूरे के पूरे स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड काम को तमाम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड, कि एक बार स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है आपको तो फिर 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहेगा। लॉक इन पीरियड मतलब कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर उस पर्टिकुलर शेयर्स में डील नहीं कर सकते हैं फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, किसी भी टाइम पर कंपनी जो है वो 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 5 करोड़ से ज्यादा, विच एवर इज हायर, या तो 5 करोड़ या एट अ टाइम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एक साल में, विच एवर इज हायर, क्या कर सकती है? मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। और कंपनी ओवरऑल अपने लाइफ टाइम में किसी भी टाइम पर पेड अप शेयर कैपिटल का 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। चालू करें बेटा, ध्यान से समझिए, लिमिटेशन क्या क्या रहा है? किसी भी टाइम पर मैक्सिमम लिमिट 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, एक साल के अंदर अंदर नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। क्लियर? अगर नॉन कैश ट्रांजेक्ट कंसिडरेशन के बेसिस पर किया जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से चीजें मेंशन करना पड़ेगी। क्लियर? फिर उन्होंने समझाया कि अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन के साथ में इंक्लूड की जाए या नहीं की जाए। सर क्या होता है ये मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन? मतलब कंपनीज एक्ट में सेक्शन 197 में उन्होंने लिमिट बता के रखी हुई है कि एक डायरेक्टर को इंडिविजुअली या ओवरऑल डायरेक्टर को कितने परसेंट आप एज ए मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हो। तो उन्होंने ये समझाया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर किसी भी बंदे को इशू किया जा रहा है एम्प्लॉय या डायरेक्टर को, दैट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन। क्लियर है? डन? आया समझ में? इसके बाद वो समझा रहे हैं आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, कंपनी ने जितने भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फॉर्म SH-13 में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू स्पेशल रेजोल्यूशन। हम समझ चुके हैं कि बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, कौन एम्प्लॉय है, कितने शेयर्स इशू करोगे, क्या प्राइस रहेगा, डिटरमाइन कैसे किया है। डन। इसी के साथ होता है अपना पार्ट सी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट डी और उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा पार्ट ई। थैंक यू सो मच।